वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग तो सुबह की भी बज रही है पौने सात पौने सात बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह का ही टाइम है और भी हाल फिलहाल में मैं आपको बता रही हूँ मेरे घर का सुबह का नज़ारा हाँ जी सुबह का नज़ारा जो है वो आज काफ़ी बेहाल हो रहा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको मेरा जो घर का नक्शा बिगड़ा हुआ है ना पहले वो बता देती हूँ उसके बाद भी इस नक्शे को हम सही करेंगे तो आजकल सुबह का जो टाइम है ना वो आप समझ लो कि काफ़ी सुपर बिजी वाला चल रहा है कि एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकते वैसा टाइम चल रहा है आजकल क्योंकि वही है कि दस लक्षण पर्व चल रहे हैं त्यौहार वाले दिन हैं और मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा मन में ऐसा ही रहता है ना कि त्यौहार वाले दिन हो या आपके कुछ भी आपके घर के अंदर कुछ प्रसंग ऐसा नया चल रहा है ना तो आपके ना जो रूटीन के काम है ना वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना वो सुबह सुबह ही लगाने होते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में वही चीज़ शेयर करूँगी कि इन आ, जो अभी बिज़ी टाइम जो मेरा चल रहा है ना इसके अंदर भी मैं बिना अपने रूटीन के कामों के साथ छेड़छाड़ किए हुए बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए किस तरीके से मैं इन्जॉय करूँ अपने फैमिली के साथ में ठीक है तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में वीडियो में शेयर करूँगी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना तो सबसे पहले कल जो मैंने आपके साथ में कुछ होम मेकिंग के टिप्स शेयर किए थे आप लोगों को बहुत पसंद आए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उसके अंदर आए थे और कुछ अलग अलग कमेंट्स भी थे उसके भी बारे में आज के वीडियो में एक बात करूँगी आगे ठीक है तो चलिए पहले तो बात कर देते हैं कल के वीडियो की भी तो कल के अंदर मैंने आपके साथ में जो होम मेकिंग के टिप्स शेयर किए थे ना तो उसके अंदर मैंने बोला था कि सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हो ना तो उठने के साथ में आपको तो किचन में आप घुसते हो उसके पहले आपको फाइव मिनट्स रूल्स जो है ना वो फॉलो करना है तो मैं पहले तो मतलब करती थी लेकिन अब मेरी एक आदत सी बन गई है मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ता है लेकिन ये कि ये फाइव मिनट वाला रूल जो है ना वो बदलता रहता है मेरे टाइम के अकॉर्डिंग टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है तो जो आ, उसमें मैंने आपको अगर अपने कल का व्लॉग देखा होगा तो मैंने ये कहा था कि आप किचन में घुसते हो ना तो उसके पहले आपको पाँच मिनट पाँच मिनट आपको किचन के अलावा आपका घर का जो दूसरा एरिया है ना उसको देना है जो आपका बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है घर के अंदर ना उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ठीक ठाक करना है बहुत ज्यादा डिप्लेंग नहीं करनी है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजिंग वगैरह कुछ नहीं करना है खाली थोड़ा सा ठीक ठाक करना है लेकिन आज मैंने उस पांच मिनट के रूल को पंद्रह मिनट में चेंज किया है क्योंकि वही है कि मेरे पास में अभी टाइम जो है वो बाद में और भी ज्यादा कम होता है सुबह सुबह तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकती हूँ लेकिन बाद में जो है दिन को मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वही है कि मंदिर जाते हैं पूजा पाठ वगैरह काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पे हमको स्पेंड करना होता है फिर आने के बाद में किचन के काम बहुत सारे होते हैं तो इसी लिए मुझे अभी पंद्रह मिनट जो था वो उसको देना था क्लीनिंग को उस पंद्रह मिनट के अंदर मैंने क्या क्या काम किए एक तो ये रात के जो मेरे कपड़े सुखा के रखे थे ना तो वैसे तो मैं दिन को फोल्ड करती हूँ लेकिन वो ये कि दिन को आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैंने सोचा इस काम को ना मैं अभी ही निपटा देती हूँ तो अभी मुझे करने में हार्डली दो तीन मिनट लगे थे अगर इसी काम को मैं दिन के भरोसे छोड़ती तो शायद हो सकता वो काम मेरा दिन को नहीं हो पाता या हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगता तो हाथों हाथ बस मैंने कपड़े जो थे वो फोल्ड कर दिए और अभी इन कपड़ों को मैं अरेंज भी कर रही हूँ और उसके बाद में जो लिविंग रूम है ना उसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया था सोफे के कवर झिटक दिए थे और बाकी सुबह जो सबने उठ के चाय वाय पी थी अतः इस टाइम पे विहान और जैन साहब ये दोनों जने मंदिर चले गए हैं परी अभी उठी है वो वॉशरूम में गई है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ तो परी और हम दोनों जने साथ में जाते हैं आठ बजे के करीब तो मेरे पास में सुबह पौने सात से आठ बजे मतलब कि सवा घंटे का टाइम रहता है उस सवा घंटे के अंदर मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग क्लीनिंग का काम भी करना है किचन में लंच की तैयारी भी करनी है और नहा धो के तैयार व्यार होके और फिर मुझे मंदिर पहुंचना होता है तो इतना सारा काम जो है वो तो इसीलिए इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि आजकल जो टाइम शेड्यूल मेरा चल रहा है ना उसमें मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ तो यही कुछ चीजें मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ तो हाँ क्या बात चल रही थी आ, कुछ नई बात करने लग जाती ना तो पुरानी बात भूल जाती हूँ हाँ तो मैं बता रही थी कि मैंने पूरे लिविंग रूम की क्लीनिंग कर दी उसके बाद में जो मैंने कपड़े फोल्ड किए थे ना तो कुछ कपड़े मेरे वाले रूम में रहते हैं कुछ कपड़े जो होते हैं वो बच्चों वाले रूम में रहते हैं तो बच्चों वाले कपड़े जो थे वो मैं स्टडी टेबल पे छोड़ के आई हूँ जब उस कमरे की क्लीनिंग करूँगी तब मैं उनको अरेंज करूँगी सबसे पहले मैं यहाँ पर तो अभी जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं सुबह सुबह ना तो सुबह जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर की साड़ियाँ मेरी अलग ही रहती है तो मंदिर से जैसे ही मैं आती हूँ ना दिन को तो होता क्या है कि सुबह से वो साड़ी पहनी हुई रहती है और आजकल मौसम जो है ना वो मतलब बारिश होती है लेकिन फिर भी उमस वाली गर्मी होती है तो पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो उस साड़ी को फिर मैं ना फोल्ड करके नहीं रखती हूँ उस साड़ी को मैं शाम को दिन को तो मुझे टाइम नहीं मिलता है शाम को क्या करती हूँ कि साड़ी पेटीकोट ब्लाउज़ उसको मैं पानी में से निकाल देती हूँ बस बाकी ये साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ मशीन में नहीं डालती हूँ खाली नॉर्मल सादा पानी होता है उसमें मैं अच्छे से निकाल के और धो के सुखा देती हूँ उसको और फिर उसके बाद में उन साड़ियों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ तो अभी क्या कर रही हूँ कि अभी मेरे पास मैं साड़ी को आयरन करने का टाइम नहीं है ठीक है ना और ना मुझे उनको जो मैं पाउच वगैरह में अरेंज करके रखती हूँ ना तो उतना टाइम मेरे पास में नहीं है तो अभी उन सभी साड़ियों को धो धुवा के और मैं अपनी अलमीरा में खाली ऐसे ही रखती जा रही हूँ और फिर बाद में जब ये दस दिन पूरे हो जाएंगे ना तो उसके बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो उन साड़ियों को फिर मैं आयरन वगैरह करके और फिर अच्छे से अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो काम जो है वो बाद का रहेगा तो यही है कि कुछ टाइम जो होता है कुछ काम जो होता है उस काम को छोड़ना भी पड़ता है नए काम के लिए और यहाँ पर आज पंद्रह मिनट का रूल मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि क्लीनिंग तो करनी ही थी साथ में मुझे दोनों ही रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी तो बेडशीट अभी हटा दूंगी धोने डाल दूंगी लेकिन अभी लगाने का टाइम नहीं वो काम मैं या तो दिन को करूँगी नहीं तो फिर शाम को करूँगी जैसा मुझे टाइम मिलेगा अच्छा इस मैट्रेस के बारे में भी कुछ क्वेरीज जो है आती रहती है कि ये मैट्रेस आपके कौन सी कंपनी का है तो ये जो मैट्रेस है वो स्लिप ब्रांड का है क्योंकि जो हमारी शॉप है वो स्लिप की ही है तो ये मैट्रेस हमारे शॉप का ही है ठीक है और अभी मैंने आपको पास से बता भी दिया है कि क्योंकि स्लिप ल के अंदर भी ना बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं तो ये स्लिप स्लिपवेल वेल अमेटी मॉडल uh, का कुछ तो है मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है आठ नौ नौ इंच का शायद ही गद्दा है लेकिन अभी इस गद्दे को है ना मतलब दस साल हो गए तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी ना चेंज कर देते हैं क्योंकि ये जो मेट्रेस है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है सुपर सॉफ्ट है तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अभी बैक पेन होने लगा है तो क्या पता है? एक रीज़न ये भी हो सकता है तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मेट्रेस चेंज करके देखते हैं क्योंकि वो ये कि अभी हमारी इतनी एज नहीं है कि हम एकदम सुपर सॉफ्ट मैट्रेस के ऊपर सोएं थोड़ा सा मतलब होता है ना हार्ड वाला मैट्रेस होता है सेमी हार्ड जो रहता है एकदम ऑर्थोपेटिक मैट्रेस नहीं बोल रही हूँ जो होता है ना मीडियम वाला थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा सॉफ्ट वैसा तो वैसा अगर मैट्रेस रहेगा तो ठीक रहेगा तो अभी मैंने मेरे रूम की जो बेडशीट थी वो हटा दी है और अभी बच्चों के रूम की जो बेडशीट है वो भी हटाऊंगी और बाकी ये जो बिस्तर वगैरह फोल्ड करने ये सब करूँगी अच्छा कल मेरे पास में एक कॉमेंट आया था कमेंट तो खैर बहुत सारे आए थे लेकिन एक कमेंट का मैं स्पेशली जिक्र करूंगी खैर उसको मैंने नेगेटिव वे में नहीं लिया है उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थे मैंने उन सभी का रिप्लाई किया था बहुत अच्छे से किया था क्योंकि मैंने उसको एक न, क्या बोलते हैं उसको एडवाइस के जैसे लिया है एडवाइस बोल दो या फिर एक अच्छी बात के जैसे कुछ भी बोल दो मतलब मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा है तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप है ना किचन में जाते हो नहा के जाया करो तो हाँ जी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज़ से ठीक है और मैं ये अवता शुरू से बोलती भी आ रही हूँ कि ये है ना मतलब करना चाहिए ये किचन में आप जाते हो ना तो आपको नहा के फिर ही किचन में जाना चाहिए लेकिन वही होता है कि कुछ हर लेडीज होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ मैं अच्छे अच्छे आपके सामने वीडियोस ला रही हूँ तो मैं हर काम में परफेक्ट हूँ तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स मेरे अंदर भी हैं और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ उनको ठीक करने के लिए और उसी के अंदर ये चीज़ भी है कि नहा के किचन में जाना चाहिए ठीक है मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं नहाने की करती हूँ लेकिन ये कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ ना पाँच साढ़े पाँच बजे उस टाइम पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाते है। लेकिन हाँ उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अभी जो ये दस दिन आपके चल रहे हैं पर्यूशन के इस टाइम पर तो कम से कम आप नहा के जाया करो तो बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली थी तो मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा यहाँ पर बातों बातों में मेरे किचन के जो काम थे सॉरी किचन क्या डस्टिंग का जो काम था वो मेरा सारा हो गया है और बस अभी मैं चली गई थी नहाने के लिए तो चलिए उन्होंने जो मुझे कल बोला था तो मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया और आज मतलब बाहर की जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम था वो मैंने किया उसके बाद नहा के अभी जस्ट बाहर निकली और बाल मैंने आज धो दिए हैं और अभी बालों में टावल जो है वैसे तो मैं लगा के रखती हूँ लेकिन आज मैंने टावल खोल दिया ताकि थोड़ी देर किचन में काम करूँगी ना अभी मेरे पास में आधा पौन घंटा है तब तक थोड़े से बाल सूख जाएंगे तो ठीक है क्योंकि उसके बाद मुझे फिर साड़ी पहननी है और और साड़ी में अगर बाल एकदम गीले गीले से रहते हैं ना तो वो बड़े अजीब से लगते हैं तो अब बस आ गई हूँ किचन में और अब बस फटा फटाफट से करूँगी लंच की तैयारी लंच में क्या बनाऊँगी आपको भी बताती हूँ और हाँ जो बनाना है वो सब कुछ मैंने रात को सोच के रखा था तैयारी कुछ नहीं करी थी खाली सोच के रखा हुआ था क्योंकि आजकल जो चीज़ें बन रही है ना उसकी तैयारी रात को कुछ करनी ही नहीं पड़ती है सुबह सारे काम इंस्टेंट करने पड़ते हैं तो रात को हम मतलब अभी क्या हो रहा है कि इन दस दिनों में मतलब जो हम हरी सब्जियां जो होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कम से कम खाने की या दाल वाल बना लेते हैं या फिर जो बेसन की कुछ सब्जियां होती थी तो वो बना लेते हैं और बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ भी नहीं खाते हरी सब्जियों में मिर्ची खा रहे हैं टमाटर भी खाते हैं कुछ सब्जियाँ खाते हैं ऐसा नहीं है तो इसी रात को मतलब अभी दो तीन दिन से ना दाल बन रही थी बेसन कट्टे बन रहे थे तो बच्चे बड़े बोर हो गए थे क्योंकि हम दोनों का तो फास्ट चल रहा है और अच्छा फास्ट जो है उसके भी बारे में मैं आगे कुछ बताऊंगी आपको क्योंकि उसके बारे में भी कल कमेंट आया था पहले अभी की बात पूरी कर लेती हूँ तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी रोज़ रोज़ आप दाल बना रहे हो और क्योंकि हमारे फास्ट है तो हम तो एक ही टाइम खाना खाते हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो दोनों टाइम खाते हैं तो मैं सुबह का ही खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो बच्चे शाम को उसी खाने को खा लेते हैं क्योंकि भूख वही है कि ज़्यादा नहीं होती है तो फिर ना दाल दोनों टाइम खाने में अच्छी नहीं लगती है तो बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि मम्मी कुछ अलग बनाओ तो इसलिए आज मैंने एक तो भुट्टे की सब्ज़ी बनाई है और आज चावल वावल कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि दाल नहीं बना रही तो चावल की जगह पे आज मैंने क्या बनाया हाँ केले वड़ बना दूँगी थोड़े से क्योंकि तो बच्चों को कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था तो यहाँ पर आज आपके साथ में कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मैंने घड़ी में देखा है तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था इसीलिए तो यहाँ पर मैंने केले का मसाला बना दिया था बाहर रखा है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको अंदर लाऊंगी और उसके बाद में यहाँ पर भुट्टे की सब्ज़ी बना दी है आटा मैंने लगा दिया है सब्ज़ी को मैंने छोटे बर्तन में खाली कर दिया है अब अभी मैंने घड़ी देखी क्योंकि देखो यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बड़े जल्दी जल्दी काम दिख गए लेकिन यही है कि केले बॉइल करना फिर छिलना मसाला बनाना और जो भुट्टा था उसको भी मैंने ग्रेट किया फिर उसको भी थोड़ा भुनना पड़ता है तो इन सब में टाइम तो लग ही जाता है तभी तो मैंने घड़ी देखी तो मेरे पास में भी ज़्यादा टाइम नहीं था आ, शायद अभी घड़ी देख के आई थी तो कितनी बज रही थी आठ बजने में कुछ दस मिनट या बारह मिनट कम था और इस टाइम पे तो मुझे ये है कि साड़ी पहन लेना था लेकिन अब टाइम कम था तो बस फटाफट फटाफट काम करो एक लास्ट मुझे हाँ एक इमली की चटनी और बनानी थी आ, इमली की चटनी हाँ तो चलो अभी जहाँ पे बातें करते करते इमली की चटनी वटनी सब बन गई थी उसके बाद मंदिर चले गए थे और मंदिर से अभी मैं आ गई हूँ और आने के बाद मैं यहाँ पर मैं आप सभी से मिल रही हूँ ठीक है आज मंदिर का मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है क्योंकि वो है कि पूजा पाठ तो रोज़ सेम ही होते हैं तो वो मैं आपको रोज़ क्या बताऊं फिर भी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ में आगे शेयर कर दूंगी अब घर पे आने के बाद मैं क्योंकि घर आते आते ना एक बज जाती है और एक बजते बसते भूख फिर हम मुझे तो इतनी भूख तो नहीं लगती है लेकिन ये कि कंटिन्यूस पूजा वगैरह बोलते हैं ना वहाँ पर लाउड ये लगा रखे होते तो हैं म्यूज़िक वगैरह चल रहे होते हैं तो उनके साथ में पूजा बोलते हैं तो पूरा गला है ना एकदम सूख सा जाता है प्यास बहुत लगती है तो घर आते में तो सबसे पहले मैंने पानी पिया और फिर मैंने चाय बनाई थी और चाय पी बच्चों को मैंने फ्रूट्स दिया जैन साहब भी फ्रूट्स वगैरह दिया और मैंने भी फ्रूट्स वगैरह खाए थे और उसके बाद में मतलब पहले फ़्रूट्स खाए थे कुछ देर के घेप के बाद में चाय पी थी और फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि सुबह मैं जल्दबाजी में गई थी ना तो मेरे बर्तन क्लीन करने रह गए थे बाकी रोज़ मैं बर्तन साफ़ करके किचन को थोड़ा बहुत क्लीन करके जाती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो अभी आते में मैंने अभी सबसे पहले बर्तन का काम ही कर रही हूँ और अभी मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है तो वो मतलब काम करके जाएगी तो उसके बाद मैं फिर मैं आ, रोटी वगैरह बनाऊंगी हाँ बच्चों को मैंने बड़े निकाल के दे दिए क्योंकि उनको भूख लग रही थी तो मैंने कहा ठीक है बच्चों को तो फास्ट नहीं उनको दे देती हूँ अभी मैंने मेरी हाउस हेल्पर से बात करी तो उसने कहा मैं पंद्रह बीस मिनट में आ रही हूँ तो मैंने सोचा जब तक मैं ना बर्तन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और यहाँ पर आपको ये बच्चों के टिफिन वगैरह दिख रहे होंगे ना तो कल बच्चों की ट्यूशन थी तो बच्चे टिफिन लेके गए थे तो वो निकालना भूल गए थे तो तभी एकदम से मुझे याद आया तो यही है कि थोड़ी चीज़ें बस यही है, यही है कि जब बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है ना तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती है लेकिन हाँ मैं इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि अभी जो चल रहा है उनको भी इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बस यहाँ पे देखो बर्तन वर्तन जो थे साफ़ हो गए थे बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि सुबह से मैंने साफ़ नहीं किए थे तो यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए और बस बर्तन लास्ट साफ़ कर ही रही थी और तब तक आ गई थी आंटी तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मेरे सारे काम जो थे वो होते जा रहे थे और बड़ी खुशी मिलती है अगर मेरे ना कुछ काम पड़े रह जाते हैं और आंटी आ जाती है ना तो मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा लगता है कि यार मेरा काम रहे क्यों गया क्योंकि बर्तन साफ़ करते ना तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो नीचे गिरता ही है और मुझे ऐसा लगता है कि आंटी आए उसके पहले मेरे सारे काम हो जाने चाहिए फिर लास्ट में बस झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो घर बड़ा अच्छा सा लगता है तो बस अभी ये झाड़ू पोछा करके जाएगी आंटी उसके बाद में फिर सिर्फ अभी हम दोनों का खाना खाना बाकी बच्चों ने तो खा लिया था तो फिर मैं बस थोड़े से वड़े निकाल दूंगी और रोटी बनाऊँगी उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे अब चलिए बात कर लेते हैं व्रत के बारे में तो मुझे कल कमेंट आया था कि आप व्रत की थाली शेयर करना तो उनको ऐसा लगा था कि शायद व्रत में हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं मतलब साबूदाने की खिचड़िया इस तरीके की, की तो पहली बात तो ये हम साबुदाने खाते ही नहीं हैं ठीक है ठीके? आलू भी नहीं खाते हैं साबुदाने भी नहीं खाते हैं ठीक है ठीके? तो अब हमारा जो व्रत होता है ना वो अलग होता है हम व्रत को बोलते हैं एकासन एकासन मतलब ये होता है कि दिन में एक बार एक जगह बैठ के हमको जो भी खाना है वो हम खा लेते हैं जो भी खाने में आता है कि अनाज ठीक है तो आप पता नहीं बाकी सबके अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं सबके अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सबके अलग अलग तरीके होते हैं व्रत करने के मैं हमारे घर की बात कर रही हूँ तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि एकासन करते हैं जिसमें आप रोटी सब्जी दाल चावल मतलब जो भी अनाज जो आप बनाते हो ना एक बार में एक जगह बैठ के आप खा सकते हो ठीक है वो होता है एकासन दूसरा होता है उपवास उपवास में हमारा होता है निर्जला उपवास होता है जिसमें हम लोग पूरे दिन में पानी भी नहीं पीते हैं कुछ खाते भी नहीं नेक्स्ट डे खाते पीते हैं ये जो बीच में मैंने एक उपवास किया था तब आपके साथ में पूरी उपवास की मेरी जो विधि थी वो पूरी आपको आपके साथ शेयर करी थी तो अभी हमारा जो चल रहा है वो एकासन चल रहा है ठीक है तो हमको जो कुछ भी खाना होता है है ना अनाज की बात कर रही हूं बाकी फ्रूट्स है वो हम खा लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है अलग 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 तरीके के व्रत होते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती है जिसकी जैसी हिम्मत होती है जिसके जो रूल्स करने होते हैं अपने हिसाब से करते हैं मैं मेरी बात कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ हमने जिस तरीके से नियम लिए उस तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो अभी हम खाना जो बनता है प्रॉपर खाना बनता है एक बार में एक जगह बैठ के जो खाना होता है खा लेते हैं बाकी दिन में एक बार फिर फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो भी लेते हैं ठीक है तो जैसी हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है उस हिसाब से हम लोग रूल्स वगैरह बनाते हैं और उस तरीके से फॉलो भी करते हैं लेकिन जो करते हैं बहुत ही अच्छे से और पूरी श्रद्धा के साथ में फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप ये सभी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे और इसी के साथ में ही अब मैं आ गई वीडियो के एंड की तरफ और बस इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड अगर आपको मेरा आज का वीडियो जरा भी पसंद आया होगा कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर जरूर करना ठीक है और अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक भी करना अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना सपोर्ट करते रहना बस ठीक है मिलती हुई अगर नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में टेल देन बाय बाय टेक केयर